की। जय गणेश देवा। अनुरोध करूंगा कि वे आज की कथा सुनाकर हम सभी को लाभान्वित करें। हाथ जोड़ लीजिए। गणपति की आराधना करते हुए गणपति महाराज से हम निवेदन करें कि वे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित शुभ और लाभ गणपति जी के पुत्र हैं। रिद्धि सिद्धि गणपति जी की पत्नियां हैं। रिद्धि सहित सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित वे यहां विराजे। हनुमंत लला को हम उनके चरणों में विनम्र निवेदन करें कि हे हनुमंत लाल, आप पधारे और हमारी कथा को सफल करें, हमें सुफल मिले, आपकी कीर्ति में अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बल कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानर नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हमने ये मानस पूजा की है, हम आपके चरणों में ये पुष्प अर्पित करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आपने किया, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आप अपने जीवन के संकटों का नाश के लिए, अपनी पीड़ा का अंत हो उसके लिए हम हनुमान जी से रोज हनुमान चालीसा के माध्यम से प्रारंभ में हम पाठ करते हैं। यहां राम कथा कल आंसुओं के कांड से कथा समाप्त हुई, लोगों के दिल भराया चतुर दिवस पर जब भरत और राम जी का मिलन हुआ है। अयोध्या कांड अयुद्ध, जिस कांड में युद्ध नहीं है, जिस परिवार में कलह है, प्रेम नहीं है, वो अयोध्या कांड का पाठ 21 दिन तक स्वयं बैठकर करे तो उसके परिणाम उसको स्वतः प्राप्त होंगे। रामचरितमानस इतनी अद्भुत रचना है, महाग्रंथ है, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, ये तो शिव जी की कृपा हुई और तुलसीदास जी की कलम चली है। शिव की कृपा के बगैर राम कथा भी नहीं हो सकती। मां सती ने भगवान पर संदेह भी इसीलिए किया कि भोलेनाथ के मुख से राम कथा को उगलवाया जा सके। यहां भरत मिलन हुआ है। मुझे बड़ा कभी कभी लगता है कि मैंने खुद खोजने की कोशिश की, भरत यहां मिले और 14 साल तक फिर क्यों नहीं मिले। वो कहीं भी रहे होंगे, पंचवटी रहे होंगे या ऋषिमुख पर्वत पर 4 महीने चातुर्मास किया होगा। भरत जी वहां जाकर क्यों नहीं मिले? तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन करके कहा है कि उदासीन व्रत तापस वेश, यानी तप के लिए ये जो भगवा वलकल वस्त्र पहने हैं ये तप के लिए है, और जो तप कर रहा है उसके तप को, उस उदासीन व्रत को मैं भंग न करूं, इसलिए भरत जी उनसे नहीं मिले। मां कौशल्या ने रो रो कर
भगवान तो अंतर्यामी है। रो रो कर निवेदन किया कि राम राम इस अयोध्या नगरी में मत आओ, इस नगरी के किनारे सरयू के तट पर आकर अपने घोड़ों को एक बार हाथ फिरा जाओ ताकि वो पानी तो पी सके। अयोध्या का जानवर भी राम के प्रति इतनी अनुराग रखे हुए है, ये तुलसीदास जी ने इस अरण्य कांड के शुरुआत में अपनी बात कही। यहां प्रेम की परिभाषा दी है तुलसीदास जी ने, बहुत सुंदर परिभाषा दी है, समझिएगा। प्रेम ये कोशिश करता है कि मेरी वजह से कोई सामने वाला नाराज ना हो, ये प्रेम है। और आसक्ति, आसक्ति ये कि मुझे कितना मिलेगा और मुझे ही मिले, ये आसक्ति है। मैं और मेरा बस और कोई नहीं है, ये आसक्ति है। प्रीति क्या कहती है, मुझे कुछ मिले न मिले, सामने वाले को मिले, यही मेरी मेरे हृदय के उद्गार है, यही सच्चा प्रेम है। पंपा सरोवर पर नारद जी की मुलाकात इस कांड में बताई है, जिस पर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। एक बार माहौल को फिर सामान्य करने के लिए आइए एक मिनट के लिए कीर्तन करेंगे और कथा को थोड़ी गति प्रदान करेंगे। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम रमापति सीताराम पुरुषोत्तम परमात्मा राम की। यहां तुलसीदास जी ने प्रारंभ में फिर एक बार भगवान शिव की स्तुति की है, और शिव की स्तुति इसलिए की है कि इस कांड में सती ने राम जी पर संदेह किया है और यहां शिव ने सती का त्याग किया है। वो कथा कल चली गई इसलिए वापस मैं नहीं सुनाऊंगा, जो थे उन्होंने सुनी, जो नहीं थे वो वंचित रहे, वे इस बात को स्वयं भुगते। यहां चित्रकूट का एक बहुत सुंदर वर्णन शुरू होता है। अब तक राम कथा में राम जी के हाथ में थी सारी बागडोर, राम जी ने अपने हाथ में सारी कमान ले रखी थी, लेकिन अब आगे सारी कथा में चूंकि सीता का महत्वपूर्ण रोल इसमें होने वाला है, मां सीता की महत्वपूर्ण भूमिका इस कथा को आगे बढ़ाने में होने वाली है। मां सीता रोज चित्रकूट में राम जी के लिए एक माला बनाती थी ऐसी, और उनको पहनाती थी, वेणी सजाती थी। लेकिन आज राम जी ने सवेरे उठकर एक काम किया है कि माला स्वयं बनाई है और मां सीता के गले में डाल दी है। तुलसीदास जी ने कहा है कि यहां राम जी ने सीता मैया को माला क्यों पहनाई, इसलिए पहनाई कि बस अब तक मेरा काम था, अब आगे की सारी भूमिका तुम संभालना, अब हम आगे राक्षसों का अंत करके ही मिलने वाले हैं, इसलिए सीते ये माला तुम्हारे अर्पित है। ये भाव है, ऐसा कहा ऐसा नहीं है, ये तुलसीदास जी ने अपनी व्याख्या की है। यहां एक बहुत सुंदर प्रसंग है चित्रकूट में। वर्तमान परिस्थितियों में
एक तो मुझे तुमसे सच ये कहना है कि मुझे कोई मोमेंट नहीं चाहिए। एक तो विक्षेप कर रहे हो, खुद अपने संकल्प को तोड़ रहे हो और अभी और गड़बड़ कर रहे हो। नहीं सुननी हो चले जाओ यहां से, मुझे कोई मोमेंट नहीं चाहिए। जिनको नहीं सुननी वो स्वतंत्र है। जबरदस्ती कथा सुनाना उचित भी नहीं और सुनना भी उचित नहीं। इसलिए जो लोग मुक्त भाव से सुनना चाहते हैं, काफी बच्चे सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं, जो अच्छे हैं उनको तो मैं प्रणाम करता हूं कि वे आनंदित होकर प्रसन्नचित होकर कल भी आए और उन्होंने आनंद लिया। यहां जयंत ये जब वेणी सजाई जा रही है, बहुत सुंदर बात कही कि जब एकांतवास में पति पत्नी वार्तालाप कर रहे हो तो वहां पर पुत्र पुत्री को भी नहीं जाना चाहिए, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मां बाप आपके कोई व्यक्तिगत बात कर रहे हो, बैठे हो, तो उस मर्यादा का उल्लंघन न करें। ये तुलसीदास जी ने कहा है। एकांतवास में जब सीता के प्रति उनका प्रेम उमड़ रहा था तो उन्होंने बालों में वेणी लगाई है सीता के। ये शाश्वत प्रेम है, काम नहीं है, वासना नहीं है। लेकिन जयंत, इंद्रपुत्र जयंत ने देखा, कौवा बन के आया, उसने देखा कि ये देखो तो सही, ये सचमुच भगवान है या यूं ही। वो कौवा बन के आया है और वह पर्ण कुटीर के बाहर जब वेणी गूंथ रहे हैं, बैठे हैं राम जी, तो उसको लगा ये तो नकली है, ये कहां परम ब्रह्म माने जाने वाले, ये तो कामी पुरुष लग रहा है। उसके मन में विकृत विचार आया, उसने लेकर चोंच मारी है। तुलसीदास जी ने यह मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मुझे तो सब रामायण पढ़नी है, सभी पढ़ी। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा, तुलसीदास जी तो इसको गोल कर गए कि ये कहां चोंच मारी, लेकिन उन्होंने साफ लिखा वाल्मीकि रामायण में, उस कौवे ने, उस जयंत रूपी कौवे ने आकर यहां चोट मारी है, सीने पर सीधे चोंच मारी। जो ही चोंच मारी है बस बिना फल का तीर पर प्रभु राम ने छोड़ा है। अब जयंत कौवा रूपी जयंत अब दौड़े, जिधर जिधर दौड़े उधर उधर वो तीर चलता है। वो अपने पिता के पास पहुंचा कि पिताजी गजब हो गया, मुझे बचाओ, मैंने भगवान को गलत समझा और मैंने सीता मैया की चोंच मारी, आप मुझे बचाइए। तो इंद्र ने कहा कि जिसकी गलती की है उसी से क्षमा मांगो। बहुत सुंदर बात, यह समझने की बात है कि हम गलती तो किसी और की करते हैं, अपराध किसी और का करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, पीड़ा उसे पहुंचाते और भगवान के मंदिर में जाकर माफी मांगते, भगवान क्षमा करना मैंने उसको कष्ट दिया। अरे जिससे गलती की उसे क्षमा मांगो, गलती कहीं और करते हैं, क्षमा मंदिर में जाकर मांगते हैं, तो तुम्हें क्षमा ईश्वर नहीं कर सकता, क्षमा तो वही व्यक्ति करेगा जिसकी आपने गलती की है। इंद्र ने कहा जाओ, जिसकी गलती की उससे जाकर क्षमा मांगो। मैं पूरी विनम्र श्रद्धा के साथ इसे व्यासपीठ से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इस प्रसंग को इसलिए ले रहा हूं कि ये तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उल्लेख किया है कि जयंत ने मां सीता के सीधे सीने पर वार किया है, उसको भगवान ने, वह दौड़ा दौड़ा आया कौवा और राम जी के चरणों में गिर पड़ा, लेकिन क्षत्रियों का तीर निकल जाता है तो वो खाली नहीं जाता। यहां पर राम जी ने उसको माफ तो किया, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ दी, वो तीर एक आंख में जाके लगा है।
रावण ने तो राम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रावण ने तो सीता मैया को पकड़ा, ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में उनको हाथ भी नहीं लगाया, जिस जमीन पे थी उस जमीन के टुकड़े से ले उड़ा कि वो राक्षसों की भूमि है, वहां कहां रहेगी, इसलिए अशोक वन में, अशोक जहां शोक नहीं है उस वन में ले जाकर उस जमीन के टुकड़े से मां सीता को रखा है। रावण ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जैसा जयंत ने किया, तो रावण को क्यों मारा? बहुत ध्यान से समझना, ये आज के संदर्भों में सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। तुलसीदास जी ने कितने साल पहले वो बात लिख दी, वो आज कितनी प्रासंगिक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रावण को इसलिए राम जी ने मारा क्योंकि उसने तापस वेश में, साधु के वेश में एक जघन्य अपराध किया था, स्त्री का हरण करने का। कौवा तो वैसे भी दुत्कारने योग्य प्राणी है, इसलिए उसने एक कौवे का रूप धारण करके चोच मारी थी, इसलिए भगवान ने क्षमा किया कि कौवे की तो वृत्ति ऐसी होती है, लेकिन रावण तूने तो साधु का वेश धारण करके मां सीता का हरण किया है। इन दिनों जो प्रकरण चल रहा है, यदि कोई दाऊद इब्राहिम ये कांड करता, किसी के साथ योनाचार करता, तो शायद लोग माफ भी कर देते, एक दिन खबर आती चली जाती, लेकिन एक साधु के वेश में जिस व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहनकर काला काम किया, इसलिए लोग उसे लगातार उसके कपड़े उतारने पर तुले हुए। फर्क वेश का है, साधु का वेश धारण करके असाधु की वृत्ति को अपनाना, इसलिए राम जी ने रावण का वध किया, जबकि जयंत तो खुद कौवा है और कौवे की वृत्ति वृष्ठा को खाना है, जूठन को खाना है, इसलिए भगवान ने उसकी केवल एक आंख फोड़ करके उसको क्षमा किया। या तुलसीदास जी ने कहा कि जिसकी जिसकी वृत्ति ऐसी हो, उन वृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ही बिना फलक का तीर आंख फोड़ी है जयंत की। यहां से राम जी अत्री के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्री, अत्री और अनुसुईया, अत्री और ऋषि है, अनुसुईया बहुत सुंदर बात कही यहां महाराज अत्री ने, भगवान की स्तुति की है। हम सब बहुत अक्सर मंदिरों में सुनते हैं इस स्तुति, इसी पंक्तियों को गाकर करते हैं। एक सखी को श्राप मिला कि सूर्य उदय से पहले तो विधवा हो जाएगी। अनुसुईया इतनी सतीत्व की पक्की स्त्री, उसने 10 दिन तक सूर्य को ही नहीं उगने दिया, अपनी मित्र को बचाने के लिए, उसको विधवा होने से बचाने के लिए 10 दिन तक सूर्य को रोक दिया। 54 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और गंगा को प्रकट किया, या मां सीता को स्त्री का धर्म समझाया है। यहां राम कथा कहती है कि उत्तम, मध्यम, नीच और कनिष्ठ, 4 तरह की स्त्रियां हैं। मैं उनके बारे में यहां चर्चा अधिक नहीं करूंगा, लेकिन किसी के मन में दुर्भावना है, क्लेश है, वह अपने परिवार का कल्याण नहीं कर सकती, ये राम कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है। यहां एक बहुत सुंदर बात, रामचंद्र जी डोगरे जी महाराज यहां बैठे, लोग जानते होंगे, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, भागवत और रामायण के बहुत बड़े विद्वान थे। मेरा परम सौभाग्य कि मैंने उनके दर्शन किए, उनकी कथा को सुना। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनको गुजरे 20 साल हो गए। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जो देखा सो दुखिया देखा। क्या क्या बोला? कि इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। एक भी इंसान पकड़ के लाइए जो ये कह सके कि मैं पूरी तरह खुश हूं, मेरे एक भी दुख नहीं है, ऐसा एक भी आदमी ढूंढ के लाना। जो देखा सो दुखिया देखा, तन दरी सुखी ने देखा,
उदय अस्त की बात कहत हो, ताकर करो विवेका, बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या ग्रही बैरागी। उन्होंने कहा कि जीवन में जीवन है ही इसीलिए कि सुख और दुख का मिलन हो, इसीलिए तो मनुष्य है। यदि हमें दुख नहीं हो, केवल सुख ही सुख हो, तो ईश्वर को भी ऐसा नहीं हुआ। देवताओं को तो है ही नहीं, देवता तो रोज ही दुखी रहते हैं। देवता इसलिए नहीं दुखी कि उनके सुख कम है, वो इसलिए दुखी कि राक्षसों के पास बहुत ज्यादा माल क्यों है, तो इसलिए दुखी होते रहते हैं। और हम में भी कोई बहुत अंतर नहीं है। कल मैंने चर्चा करी थी कि सबसे स्वार्थी कौन, कि मेरा भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका तो होना ही नहीं चाहिए। मेरा हो जाए तो ठीक चल जाएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका भगवान कभी मत करना उद्धार। स्वार्थी समस्या में जो व्यक्ति आपका साथ दे, या अनुसुईया ने कहा है कि जो तुम्हारे दुख में साथ दे मां, वही सच्चा साथी है। जो तीन गुणों का उल्लंघन करता है, सत रज और तम, वही अत्री है। यहां विभीषण को सतगुण का प्रतीक बताया है, रावण को रजोगुण का, और कुंभकर्ण को तमोगुण का। तमोगुण मतलब खाओ पियो करो आनंद सोए रहो बस। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्ते महारिपु, महारिपु का मतलब दुश्मन। कल आप सबके ऊपर महारिपु कुछ लोगों के ऊपर हावी हो गया था, आलस्य। अरे कौन 8 बजे उठ के जाएगा, वो सोचना, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एक बार क्या हुआ, यहां अनुसुईया ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के सुख को देखकर जलता है वो भजने योग्य नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जहां कहीं निंदा हो रही हो, कोई भी व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, वहां खड़े भी मत होना। मैं अपने पिताजी से एक बात बहुत अच्छी सीख पाया। उन्होंने जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति किसी की बुराई करने के लिए जो शुरू होता है वो उसको वही रोक देते हैं, भैया मैं डस्टबिन नहीं हूं, मेरे सामने कचरा वाली बात मत करो। उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं सुनी, ये मैं जानता हूं। जब भी किसी ने कोई आके शिकायत करनी शुरू की होगी, उसको वही रोक दिया होगा, रुक जा। याद रखिए, जीवन में आप निंदा करने वाला व्यक्ति जो आपके सामने निंदा कर रहा है, यकीन मानना वो आपकी निंदा किसी और के सामने भी कर रहा होगा। और जिसकी प्रशंसा सुनकर जलन हो, अरे आज मैडम ने इसकी बहुत तारीफ कर दी, ऐसा क्या किया इसने, नकल मार के तो लाया है, पिछली कॉपी फाइल में से उड़ा लिया, इसने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये जलन। अगर किसी की प्रगति देखकर आपके मन में खुशी ना हो, तो समझ लेना कि आपके मन में कोई न कोई दोष है, कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की जरूरत है। मुझे एक बच्चे की याद आती है, तब उन दिनों पढ़ाई का तरीका ये युवा करता था, अब तो किसी को चाटा भी नहीं लगा सकते। एक बच्चे को मैंने पिटाई करी, लकड़ी से मारा, वो रोया भी बच्चा। फिर बाद में जाकर वो बच्चा, मैंने उससे कोई पुचकारा भी नहीं, लेकिन उस बच्चे ने जाकर वापस हमारे टीचर के पास जाकर बोला कि मुझे सर का फोटो चाहिए, मुझे सर का फोटो बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में द्वेष नहीं आया, उसने मार खाई, मुझे वो बच्चा आज भी याद है, उसने मार खाने के बाद भी मन में कलुषितता पैदा नहीं करी। एक बहुत सुंदर प्रसंग रामचंद्र केशव डोगरे जी महाराज ने बताया,
कि एक ब्राह्मण बड़ा चतुर था। उस राजा के दरबार में गया, उसका इधर आओ, ये बताओ कि तुम्हारे पूरे शरीर पर बाल है, हथेली पे बाल क्यों नहीं है? उसका महाराज, हथेली पे बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे मैं रोज दक्षिणा लेता रहता हूं। राजा ने कहा चतुर है बेटा। अच्छा चलो ये तो मान लिया कि तेरे हथेली पे इसलिए बाल नहीं है कि तू दक्षिणा लेता है, लेकिन ये बता मेरे हथेली पे बाल क्यों नहीं है? राजा और भी चतुर, उसने कहा महाराज आपके इसलिए नहीं है कि आप मुझको रोज दक्षिणा देते हो। वाह यार ये भी जवाब ठीक है, लेकिन राजा भी कहां छोड़ने वाला था। उसने कहा ये सब मान लिया, लेकिन ये जितने भी दरबारी बैठे इनकी हथेली पे बाल क्यों नहीं ये बता। वो चक्कर में पड़ी है तो ये तो गड़बड़ हो गई। उसने कहा महाराज जब आप मुझे दक्षिणा देते हो ये मन मसोस के बेचारे हाथ घुमाते रहते हैं, इसलिए इनकी हथेली पे बाल नहीं है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। तो कुछ लोग लेते रहते हैं, कुछ लोग देते रहते हैं, और कुछ लोग हाथ मलते रहते हैं। तो कल जो आए थे उन्होंने लिया, जो नहीं आए वो अब बस समझ जाओ। अनुसुईया कौन? पार्वती ने पूछा भगवान से कि अब इधर नारद अपना काम कर रहे हैं। ये अनुसुईया के बारे में बहुत सुंदर रामचरितमानस में है, बड़ा अच्छा मनोरम दिल को खुश करने वाला प्रसंग है। नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के पास, नारायण नारायण नारायण। पार्वती जी ने कहा बड़े खुश दिख रहे हो, क्या महाराज माते श्री क्या करें, बड़ा आनंद आया आज तो मुझे, अतुलित आनंद आया। कि क्यों? कि अनुसुईया जी के आश्रम में मैं लड्डू खा कर आ रहा हूं और इतनी महान सती, क्या बात करें, मेरे से भी बड़ी? हाँ आपसे भी बड़ी। वाह अपना काम बत्ती लगाने का है, लगा के चल दिए आगे। ब्रह्माणी के पास पहुंचे कि माते श्री नमस्कार, आज तो आनंद आया, मैं अनुसुईया जी के यहाँ गया था, वहां लड्डू खा के आया हूं, उनसे बड़ी सती मैंने आज तक नहीं देखी, उनके भी बत्ती लगा दी। फिर तीसरी बत्ती कहाँ लगाई? लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी आप क्या यहाँ बैठे हैं, आश्रम में आश्रम देख रहा है तो अनुसुईया जी का देखो, उनसे बड़ी सती कोई नहीं। तीनों अब तीनों औरतें जलन, औरतों में जलन बहुत होती है, आदमी में भी होती है लेकिन औरतों में कुछ ज्यादा ही होती है। हाँ ज्यादा ईर्ष्या होती है, ये मनुष्य वृत्ति है। तो उन्होंने तीनों ने मिलके बोला कि चलो शुरू हो जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश को बोला कि आप जाओ, ये अनुसुईया जी का बहुत नाम सुन रहे, ये हमसे बड़ी सती कैसे हो सकती, उनका सतीत्व भंग करके आओ। वो तीनों मिले चौराहे पर, कहीं मिले होंगे कहीं। महाराज चलो आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो अनुसुईया जी के आश्रम में जा रहा हूं। ब्रह्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी वहीं जा रहा हूं। कि भोलेनाथ मिल गए, कि आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी पार्वती जी ने यही निवेदन किया कि वहां जाके आओ। तीनों समझ गए कि आपके घर नारद आए थे। कि हाँ आए थे, बस कल्याण है, जय हो, ये नारद जी की कृपा है, जाके और भिक्षा मांगी है। अब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा जिसके घर भीख मांगने जाए, अनुसुईया जी के सामने भीख मांगने, उन्होंने कहा कि माते क्षमा करें, हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, बहुत कठिन काम, ये क्या मांग लिया। अनुसुईया जी समझ गई ये गड़बड़ कहां से, नारद जी यहां लड्डू खा के गए हैं और सारा कचरा तीन जगह फेंक के आए हैं, कहां ठीक है ठीक है। और तीनों महादेव विष्णु और ब्रह्मा पे छिड़का है, तीनों दो दो महीने के बच्चे हो गए हैं जल छिड़कते ही, और बच्चे हो गए और वाह अभी इधर ये तीनों इंतजार करेंगे, मेरे पति आज सवेरे के गए हुए, अनुसुईया जी ने क्या पंखा फिराया अभी तक नहीं आए, एक दिन दो दिन सप्ताह भर निकल गया, फिर नारायण नारायण। महाराज ये क्या गड़बड़ है, हमारे पति कहाँ है?
कि आपके पति तो आनंद बना रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं? कि बच्चे बन के वहां अनुसुईया जी के आश्रम में। हाँ, सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ी थी, लेकिन उनको प्रज्ञा चक्षु अंदर से सब कुछ दिखता था। एक दिन जो श्रृंगार सामने होता श्रीनाथ जी के, श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता उसका श्रृंगार का वर्णन कर लेते हैं। मैं अभी एक और सूरदास से मिलकर आया श्रीनाथ जी में, मंदिर में गया, वो बिना देखे आंखें है ही नहीं, अंधा है, वो केरी कट्टे से जो सब्जी काटता है मैं देख के अद्भुत, और उससे पूछो आज का क्या श्रृंगार है वो भी बता देता है। मैंने खुद स्वयं मिला हूं, तो वो तो सूरदास थे। राजा ने कहा कि ये गड़बड़ है, ये इसको दिखता है, उल्टा बिठा के इससे पूछा तो भी बता दिया, और श्रृंगार का बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन। एक दिन उन्होंने कहा कि चलो आज भगवान को कपड़े ही मत पहनो, सूरदास को बिठा देगा, आज के श्रृंगार का वर्णन करो। तो सूरदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, आज देखियो मैं हरि नंगम नंगा, भजन गाया है सूरदास ने, आज देखियो मैं हरि नंगम नंगा। ये तीनों वहां पर बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, ये तीनों देवियां वहां आई है, अनुसुईया जी के चरणों में गिरी है, मान गए आपसे बड़ी सती कोई नहीं, कृपा करो। तीनों को फिर लोटे में जल लेके छिटका है और तीनों फिर पुनः नॉर्मल प्रभु बनकर और पुनः अपने अपने धाम में गए हैं। या अनुसुईया जी ने सीता जी को दो दिव्य कुंडल दिए हैं, दो दिव्य वस्त्र दिए हैं, उन वस्त्रों को पहनने की वजह से रावण उनको छू भी न सका। दो कुंडल और दो दिव्य वस्त्र, यही अशोक वन में सीता जी का कवच बने हैं। यह राम कथा कहती है कि सती स्त्री का प्रोटेक्शन उसका चरित्र है। ये जो वस्त्र है ये आपके चरित्र के वस्त्र हैं, ये कुंडल जो है केवल सुनी सुनाई पर ध्यान मत दो, ये प्रतीक चिन्ह है राम कथा के। कान की कच्ची होती स्त्रियां, इधर से सुनी और बड़बड़ शुरू कर देती है, ये पुरुष के लिए भी है, कान के कच्चे नहीं होना चाहिए, किसी बात का पूरा आकलन करना चाहिए। मार्ग में विराध का वध किया है, विराध राक्षस यहां पर सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि के बहुत सुंदर ऐसे अद्भुत शिष्य हैं, इन्होंने राम जानकी को मिलवाने का काम अगस्त मुनि से किया था। विराध वध में प्रभु राम को इतना क्रोध आया है, राम रामायण जी में दो ही जगह क्रोध किया भगवान ने, वैसे तो कई जगह किया लेकिन ज्यादातर क्रोध लक्ष्मण ने किया है, केवट के सामने हो, परशुराम के सामने हो, और रावण के सामने हो, मेघनाथ के सामने हो, लक्ष्मण ने जबरदस्त हुंकार भरी है। क्यों? क्योंकि वो शेषनाग के अवतार है। यहां पर थोड़ा सा सैद्धांतिक बातें करी है तुलसीदास जी ने, राम का मतलब क्या है, र अग्नि बीज है, उ सूर्य बीज है, और मकार चंद्र बीज है, इसलिए राम अपने आप में परिपूर्ण है। कल मैंने इस पर चर्चा करी थी, जिसको कुछ मंत्र नहीं आता जीवन में, कोई विष्णु सहस्त्र नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, राम अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये अगस्त मुनि वही है जिन्होंने तीन उंगलियों में सारे समुद्र को पी गए। यहां पर अगस्त मुनि ने राम जी को राक्षसों को मारने के मंत्र दिए हैं, और काय आप जाइए पंचोटी जाइए, अब पंचोटी में सूर्य पण खा, पंचवटी में सदैव पतझड़ है। एक बात, इस तरफ बैठे सबको मैं ध्यान चाहूंगा, इधर माताएं बहनें इधर बैठी हैं, राम जी जब से निकले हैं, ये सुनना थोड़ा ध्यान से, जो मेरी मोटी बुद्धि राम कथा से समझ पाई है, कुछ लेकर नहीं निकले, लेकिन जहां से गुजर रहे हैं वहां देते हुए जा रहे हैं, दुनिया भर का वैभव लुटाते जा रहे हैं।
अयोध्या से निकले तो भरत को सारा राज श्रृंगवेरपुर निषाद राज गू जिसको कोई गले नहीं लगा था उसको विश्वामित्र वशिष्ठ और राम जी ने स्वयं गले लगाया। जहां राम जी निकले वहां पर अपने आप वृष्टि होने लगी और चारों तरफ खुशहाली छाने लगी। पंचवटी पतझड़ का केंद्र है। अगस्त मुनि को पता है कि ये प्रभु राम जा जाएंगे कुछ होगा। पंचवटी का बड़ा सुंदर वर्णन आता है लेकिन पंचवटी उजाड़ है। लेकिन जो ही राम जी घुसे हैं उस पंचवटी में वहां बसंत खिला है, अद्भुत पुष्प पल्लवित हुए हैं। राम जी जहां जहां से गए खुद कुछ नहीं लिया, वलकल वस्त्र पहने हुए बेर खाए हैं और घास के पत्तों पर उस पर सोए हैं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण उस पर्ण कुटीर के बाहर बैठकर पहरा देने का काम किया है। ये कठिन नहीं है, सरल है। क्यों? क्योंकि नाग सांप 50 वर्ष तक नहीं सोए तो भी चल सकता और सांप की आयु 500 से 14 वर्ष तक सोए नहीं है। 5 तत्वों का शरीर यहां पंचवटी में बताया है। समदृष्टि होनी चाहिए। वन में चलते चलते एक ये सारी हड्डियां लक्ष्मण ने पूछा ये क्या है? राम जी ने कहा ये सारे ऋषियों की हड्डियां हैं जो राक्षसों ने खाई है उनकी हड्डियां हैं। चलते जा रहे अचानक क्या हुआ कि राम जी लक्ष्मण को देखते और लक्ष्मण के मन में कुभाव आ गया। कभी कभी आप काम करते हो ना, हम रोटरी में बहुत काम करते हैं लेकिन कभी कभी यूं लगता है कि वाह क्या यार ये कितनी टांग खिंचाई है, क्या करना, चलो छोड़ो। कभी कभी आ जाता है निराशा का भाव सबके मन में आता है। थोड़ी देर के लिए कल जैसे मुझे भी आया फिर रिकवर हो गया। आना नहीं चाहिए लेकिन मनुष्य आ जाता है। कुभाव लक्ष्मण के मन में आया कि मैं काहे को तल रहा हूं या जबरदस्ती, मेरी पत्नी उर्मिला वहां खड़ी है। मैं भी जाऊं आराम से अपने घर में रहूं। वनवास तो राम जी को मिला। राम जी समझ गए गड़बड़ है, मन के ताड़ गए। उन्होंने लक्ष्मण को कहा एक काम कर लक्ष्मण इधर आओ। हां महाराज, ये मिट्टी उठाओ, इसकी पोटली बनाओ और कमर पे बांधो। वो मिट्टी कमर पर बांधी है और जो ही कमर पे बांधी वो शुरू हो गए। मैं तो तुरंत जाता हूं, मेरे घर जाता हूं और मेरा इंतजार कर रही है, कहां समय नष्ट कर रहा हूं, ये करके उनके मन में विचार आए। राम जी ने कहा नहा ले। हाँ महाराज नहा लेते हैं। पोटली खोली है और फिर विचार बदल गए कि मैं कितना जीवन चल रहा है, जिन चरणों के लिए सारी दुनिया तरसती उन चरणों का मैं रोज दर्शन कर रहा हूं, इससे बड़ा भाव मेरे जीवन में क्या हो सकता है। लक्ष्मण का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या चक्कर है। इस चक्कर पर हम आए। लक्ष्मण ने पूछा महाराज ये क्या चक्कर है। राम जी हंस दिए। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं बच्चों, मुझे नहीं पता कि आपको जीवन में इस बात की अनुभूति होती है या नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है कि जीवन में भूमि का बड़ा असर होता है। एक ऐसी भूमि जहां पर खड़े हो और आपको वाइब्रेशंस आते हो कि यार यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं हो आपको कुछ भी लेकिन आपको लगे कि यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उस भूमि पर खड़े मत रहना।
कहीं कहीं हम जाते हैं, हमको बड़ा सुखद अनुभव होता है, अच्छा लगता है। अरे अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम दोनों इधर यहां आ जाओ, सुंद उपसुंद इधर पधार जाओ, अभी लड़ाई करनी है वैसे ही, यहां आ जाओ, ये भूरे बाल वाला खड़ा हो जाओ बेटा, ये आ जाओ, स्टैंड अप, यस हाँ इधर आ जाओ बेटा, तुम भी और वो भी, तू भी आ जा, हाँ भूमि का असर है और कोई बात नहीं तेरे लिए, आ जा। देखो कथा में सब तरह के लोग होते हैं, ये तो बच्चे हैं, बैठ जाओ दोनों, आसन ग्रहण करो, हाँ तुम विशेष यजमान आज के, भगवान ने इनको थोड़ी सी बुद्धि हटाई, हिलाई और देखो ये यजमान बन गए, है ना, ये लकी है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि महाराज ये क्या गड़बड़ है, मैं ये पोटली जो ही यहां बांधता हूं और मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ जाते हैं और जो ही खोलता हूं ये सब वापस गड़बड़ होता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोष नहीं है, ये भूमि का चमत्कार है, इस भूमि पर खूब हत्याएं हुई है और इस भूमि पर सबसे बड़ा काम यह हुआ कि दो भाई आपस में लड़ मरे, हम दोनों भाई हैं, यहां दो भाई आपस में लड़ मरे इसलिए भूमि में वही होगा, वाइब्रेशन ही वही होंगे। सुंदर उपसुंद नाम के दो भाई थे, उनका आपस में बड़ा प्रेम था, इतना प्रेम था कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ब्रह्मा से वर मांग लिया कि प्रभु एक काम करिए, सुनना बहुत ध्यान की अच्छी बात है, कि बोलो क्या, कि महाराज हम अपने जीवन में किसी से नहीं मरे। उनका यह तो संभव नहीं है, मरना तो है, तो चलो एक काम करिए, हम दोनों एक दूसरे को ही मारे, हमको और कोई नहीं मार सके। उनको ये अहंकार था कि हमारा तो प्रेम है इतना तगड़ा, हम दोनों भाई कभी नहीं लड़ेंगे, ये सोच के तथास्तु ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब वो दोनों भाई प्रेम से रहे और खुश रहे, अपन तो जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होंगे। तभी प्रकट भय प्रकट कृपाला, एक अप्सरा पैदा हुई तिल्लोत्तमा, वो हाँ डबल क्रॉस, अखियां लड़ाऊं कभी अखियां चुराऊं, हाय तूने किया जादू, हाँ तो इससे भी अखियां लड़ावे और इससे भी अखियां लड़ावे, वो कह ये तेरी भाभी है, वो कह ये तेरी भाभी है। हाँ एक कॉलेज में एक लड़की को सभी भुआ जी करके चेल, नमस्कार भुआ जी नमस्कार, वो प्रिंसिपल के पास गई साहब कि ये सारे लड़के बहुत बदतमीज है साहब, मुझे रोज भुआ जी करके चिढ़ाते हैं, ये भुआ जी आ गई, ये तुम सब लड़कों को मैं निकाल दूंगा यहां से कॉलेज से, क्या बदतमीजी तुम्हारी। खाली उस क्लास में एक लड़का था जो वो नहीं छेड़ता था, प्रिंसिपल ने बुलाया ये बहुत अच्छा लड़का है, तुम बिल्कुल भुआ जी नहीं बोलते, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी बता रही कि साहब मैं कैसे बोलूंगा, मैं तो फूफा जी लगता हूं। श्री राम, मैं तो कॉलेज का फूफा हूं, तो ये तो तेरी भाभी है, बोला चुप रे बदतमीज, ये तेरी भाभी है। बस काम तो ब्रह्मा जी को निपटाना था, है ना, वर भी देते हैं और खींच भी लेते हैं, है ना। एक सेठ जी ने चेक भरा, वो चतुर बनिए होंगे, 5 लाख का चेक पकड़ा दिया, महाराज ये मेरी ओर से भेंट, सब खुश हो, 5 लाख का चेक, उनका महाराज एक मिनट ये इसमें हस्ताक्षर तो ही नहीं भैया गुप्त दान है, चतुराई चतुराई चूल्हे पड़ी धिक पड़ियो आचार,
ये चतुराई चूल्हे में रखिए और आचार संहिता जिसका तुम पालन नहीं कर सकते, ये प्रभु की कृपा है। दोनों आपस में लड़ मरे, ये वही भूमि है लक्ष्मण, ये दोनों राक्षस यहां लड़ मरे हैं। अशुद्ध भूमि है, जिस भूमि पर हत्या हो गई हो वो भक्ति में बाधक है। इसलिए कहते हैं कि मंदिर में जाते वक्त जूते नहीं जाए। पता नहीं कहां कहां से रगड़ रगड़ के आए हुए जूते होते हैं। मंदिर में गंदे कपड़े पहन के न जाए, पता नहीं कितने अशुद्धियां हम वहां लेकर जाए। मंदिर में मंदिर की मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, यह बात राम कथा कहती है। दंडकारिण की कथा प्रारंभ होती है, इश्वाकु का लड़का दंड होता है। शुक्राचार्य ने दंड को बचाने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसी गुरु की पुत्री के साथ उसने दुर्व्यवहार किया। मुनि के श्राप से वो जो राज्य था वो अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जहां रमा ना जा सके, रण्य न किया जा सके, यानी जहां घुमा ना जा सके, उजाड़ जंगल, दैट इज नोन एज ए अरण्य। इसका विपरीत होता रण्य, जहां घुमा जा सके, रण्यवास, ये अरण्य है। तो वो सूख गया सारा जंगल, वही दंडकारण्य में परिवर्तित हुआ। यहां पंचवटी में राम गीता का जन्म हुआ है। लक्ष्मण ने पूछा कि राम से कि माया क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। वैराग्य की व्याख्या भी यहां प्रभु राम ने लक्ष्मण को बताई है। ईश्वर और प्राणी में क्या अंतर है और भक्त और भगवान में क्या अंतर है, माया का उदाहरण सुनना चाहोगे? किस किस को सुनना है माया का? बहुत सुंदर उदाहरण है, हाथ नीचे करो। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण सुदामा के साथ, अब चला दो भैया पंखे, भगवान कृष्ण सुदामा के साथ, सुदामा उनसे खपा खपा रहते थे, क्या आदमी है, इतने सारा माल लेके बैठा, मुझे कुछ नहीं दिया। हा? जब वो गए थे ना तो मन ही मन कोस रहे थे, थोड़े इतने पैसे वाले, अपन कहते ना कई बार कोई पैसे वाला है लेकिन ये बिल्कुल भिखारी जैसा है, एक रुपया खर्च नहीं करता। सुदामा के मन में भी ये बात आ गई थी, इतना वैभव है लेकिन मेरे तीन मुट्ठी चावल खा लिए। हाँ, परवल बोलते ना जिसे, सूखे चावल तो कौन खाएगा, तो वो खा लिए। वो तो गए तब पता पड़ा कि क्या कृपा की है। तो नहाने गए नदी पे, दोनों मित्र, एक कन्हैया, इतने मैंने सुना तू, तेरी माया बड़ी अद्भुत है, कि चुप, नहीं नहीं मेरे को दिखा ना, शांति रख, नहीं चल तू पहले नहा ले, पहले अपना काम कर ले। नहीं नहीं मुझे तेरी माया देख रही, मैंने बहुत सुना कि तू बहुत मायावी है, तेने मिट्टी खाई थी, मुंह खोला, मैं तो सुना ही सुना है, तेने मुझे तो कभी नहीं बताया यार। आपका दोस्त कोई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिया है, रोज रात दिन साथ रहे, लेकिन नई मोटरसाइकिल खरीद लिया है, और आपके क्लास फेलो आपको बताया कि उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी, आप क्या कहोगे, कमाल है रोज मेरे साथ रहता है, उसने मुझे नहीं बताया यार। मन में गांठ पड़ जाएगी। सुदामा के साथ भी यही हुआ, इधर ध्यान, ये मेहता जी भी अनन्य भक्त है, राम कथा में हर वर्ष आते हैं। तो तेरी माया का चमत्कार तो मुझे दिखा, कृष्ण का पहले तू नहा तो ले, और ऐसा करके सुदामा को धक्का दे दिया पानी में, उनको तैरना नहीं आता, और सुदामा को धक्का दिया और ए, ये क्या कर रहा है, और बचा पानी में, बचाओ बचाओ, अरे सुन, गलप
बह गए सुदाबा, बहते जा रहे हैं वो, गालियां देते जा रहे हैं, कितना खराब है, दुष्ट है ये मेरा दोस्त, कैसा अजीब दोस्त है मेरा दोस्त, लेकिन बहुत दुष्ट है, मार डाला मैं तो मर ही गया सर। पानी में बहते 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 एक किनारे पहुंच गए, किनारे पे देखा तो वहां खूब लाए लिए लोग खड़े, सुदाबा को पकड़ लिया, इधर आओ, क्या बात है, बच भी गए, चलो हे भगवान बहुत अच्छा, कि महाराज धन्य हो, कि क्या धन्य हो, यहां का नियम है कि जो व्यक्ति सबसे पहले प्रातः काल की वेला में बह के आएगा वो इस देश का राजा बनेगा, है। सुदाबा खुश हो गए, आनंद मजा आ गया, माला वाला पहन ली, जो अभी गालियां दे रहे थे वो मन ही मन, और अच्छा रहा मैं बह गया, उस दुष्ट के चक्कर में रहता, माला वाला पहन ली, महाराज ये आपका राज। सुदामा तो फकीर, राजपाट के, हाँ महाराज ये 10 आपकी रानियां। ओ प्रसन्न, आनंद आ गया आज तो, उसी में रम गए, उनके बच्चे भी हो गए। एक दिन मंत्री ने आके कान में कहा, महाराज एक बात सुनिए, कि क्या, कि आपको यहां के नियम के बारे में जानकारी है, कि कौन सा नियम, मैं यहां का राजा हूं, नियम क्या होता है, कि नहीं महाराज यहां का नियम बड़ा कड़ा है, अगर एक भी राजा अपनी रानी की मृत्यु पर शोक प्रकट करके आंसू निकाल लेगा तो उसको मरना पड़ेगा, उसको पुनः नदी में डुबो दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये पहले क्यों नहीं बताया, कि नहीं जब तक संतान पैदा नहीं हो तब तक नहीं बताने का नियम है, साला फंसा भी रहे और डबल डबल फंसा रहे। अब सुदामा इसी चिंता में दुखी हो गए, कोई मर ना जाए, रानियों से प्रेम उनका, उनकी पटरानी एक दिन मर गई, मर गई तो सुदामा बड़ी मुश्किल से कोशिश कर करके आंसू रोकने की कर रहे, लेकिन अंतोदगत जो ही वो दहा क्रिया करनी शुरू होती है, जो ही आग लगाई है और सुदामा के आंसू निकल पड़े हैं, बस सब मंत्रियों ने पकड़ा, महाराज क्षमा करे, आपका मृत्यु निकट है, आपको जाना ही पड़ेगा। नदी के किनारे ले जाके सुदामा बहुत बहुत अनुनय विनय करी, मैं सुदामा हूं, कृष्ण मेरा दोस्त है, तुम प्लीज समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, कोई पकड़ में आ जाए ना चौराहे पे, हमारा एक स्टूडेंट पकड़ में आया, मैं देख रहा था कार में, और भी कलाकार, उसने पुलिस वाले को फट 100 रुपए का नोट निकाल के दिया, और पुलिस वाला तो खैर होता ही पुलिस वाला, उसने फट ले लिया, और मैं देख लिया, मैंने कहा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और दूसरा वाला बोल रहा था कि नहीं मेरे फलाना वो, मैं फोन कराता हूं, हाँ पकड़ में आ जाए तो तुरंत फोन करा देते, इधर उधर लिंक, वो निवेदन करेंगे सुदामा जी मेरा कृष्ण मित्र है, तुम मेरे को ऐसा काम नहीं कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं माने, उन्होंने तुरंत सुदामा को पानी में डुबोया है, पानी में डुबोया और सुदामा चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, और इधर कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ाया और बाहर निकाला, जहां से शुरू हुए थे उस बीच कितने काल निकल गए, लेकिन कृष्ण वहीं बैठे, उसको निकाला और सुदामा का हाथ पकड़ा, अरे तुम आधे घंटे से नहीं रहे हो क्या, मिनटों में माया के दर्शन करा दिए, कृष्ण मुस्कुरा दिए खड़े खड़े, कर लिए दर्शन, सुदामा उनके चरणों में गिर पड़ा है, माफी मांगी है, ऐसी माया फिर मुझे मत दिखाना प्रभु। रघुपति राघव राजा